Hello students, we are going to study about the circulation of the abdomen, and here is the abdominal aorta seen in the diagram. This is the thoracic aorta and this one is the abdominal aorta. So ये जो aorta है वो abdominal area में जो blood supply provide करेगी उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. So arterial supply, circulation of in the abdomen, the first is the arterial supply. So branches of the abdominal aorta supplies the structure in the abdomen. So abdominal area में abdominal aorta हमने diagram में देखा और वही area है जो abdomen को क्या करता है, abdomen के सारे organ को blood supply provide करता है. So यहाँ पर दो category में हैं जो branches हैं, that is first one is the paired branches, है ना, और पेयर्ड का मतलब जोड़ियों में है ये. दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ द फ्रेनिक आर्टरी जो डायफ्राम को सप्लाई करती है, रीनल आर्टरी जो किडनीज को सप्लाई करती है, सुप्रा रीनल आर्टरी जो एड्रेनल ग्लैंड को सप्लाई करती है, गोनेडल आर्टरी जो है ओवरिस एंड टेस्टिस को सप्लाई करती है, ओवरिस इन फीमेल एंड टेस्टिस इन मेल. ठीक है, दीज आर्टरीज आर मच लॉन्गर देन दी अदर पेयर्ड ब्रांचेस बिकॉज द गोनाड्स बिगिन their development high in the abdominal cavity. As fetal development proceeds, they descend into the pelvis and their supplying artery become corresponding longer to maintain the supplies. So इसका ये specialty दिया हुआ है gonadal arteries का कि ये much longer होता है सारे paired branches में से, और ये gonads के development के समय से ही abdominal cavity के अंदर में ये develop होना शुरू हो जाते हैं, और जैसे जैसे fetal grow करता है ना, जैसे जैसे जो baby है uterus के अंदर में mother के जज्बे grow करता है ना, so ये जो है descend होते जाता है आपके pelvis में, और जो arteries है वो continuously जो है बहुत लंबे समय तक जो है gonads को exactly ओवरीज को फीमेल के अंदर में और टेस्टिस को मेल के अंदर में क्या करते हैं, ये ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करते हैं. सो एग्जैक्टली फोर पेयर्ड ब्रांचेस, फ्रेनिक आर्टरी, रीनल आर्टरी एंड दी सुप्रा रीनल आर्टरी एंड लास्ट वन इज़ द गोनेडल आर्टरी. ना अबाउट दी अनपेयर्ड ब्रांचेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. अनपेयर्ड ब्रांचेस, सो अनपेयर्ड मतलब ये सिंगल ब्रांच है और इसका पेयर नहीं है, जोड़ियों में नहीं है ये. सो फर्स्ट इज़ द सीलिएक आर्टरी, है ना, समटाइम्स कॉल्ड द सीलिएक ट्रंक, है ना, अ शॉर्ट थिक आर्टरी अबाउट 1.2 सेंटीमीटर लॉन्ग. सो सीलिएक आर्टरी जो है इसको सीलिएक ट्रंक भी बोलते हैं हम लोग, और ये शॉर्ट है, थिक आर्टरी है और 1.2 सेंटीमीटर लॉन्ग है. देयर इज स्पेशलिटी इन सीलिएक आर्टरी, इट अराइजेस इमीडिएटली बिलो द डायफ्राम एंड डिवाइड्स इनटू थ्री ब्रांचेस. सीलिएक आर्टरी का थ्री स्पेशलिटी ब्रांचेस है बेटा. फर्स्ट जो ब्रांच है दैट इज द लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, गैस्ट्रिक के अकॉर्डिंग इट सप्लाइज द स्टमक. सेकेंड इज द स्प्लीनिक आर्टरी जो कि स्प्लीन और पेनक्रियास को सप्लाई करती है, एंड द हिपैटिक आर्टरी दैट सप्लाइज द लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पार्ट्स ऑफ द स्टमक, डिओडिनम एंड द पेनक्रियास. सो हिपैटिक आर्टरी लीवर को, गॉल ब्लैडर को, स्टमक का कुछ पार्ट को, डिओडिनम को और पेनक्रियास को क्या करता है, ये ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करता है. सो सीलिएक आर्टरी के थ्री ब्रांचेस, गैस्ट्रिक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, स्प्लीनिक आर्टरी एंड हिपैटिक आर्टरी. ओके, सीलिएक आर्टरी इज़ द फर्स्ट अनपेयर्ड ब्रांच. ओके, नाउ सेकेंड अनपेयर्ड ब्रांच इज़ द सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी. Unpaired branch is the superior mesenteric artery which branches from the aorta between the celiac artery and the renal artery. So celiac artery और renal artery के बीच में से जो एक single branch निकलता है that is the superior mesenteric artery, और ये जो supply करता है that is entire small intestine को, about half of the proximal large intestine को. Now the third जो unpaired artery है that is the inferior mesenteric artery which arises from the aorta about 4 centimeter above, it divides into the common iliac arteries, it supplies the distal half of the large intestine and part of the rectum. So inferior celiac artery जो है वो exactly जो distal half जो है large intestine का और rectum को क्या करता है, blood supply provide करता है. ठीक है, इस डायग्राम में हम लोग वापस आ जाते हैं. यहाँ पर आप लोग देखेंगे आपके पेयर्ड ब्रांचेस हम लोग पहले देख लेते हैं. ये है आपका फ्रेनिक आर्टरी, लेफ्ट में भी है राइट में भी है. नाउ नेक्स्ट है बेटा सुप्रा रीनल आर्टरी, फिर है रीनल आर्टरी और गोनेडल आर्टरी. ये है आपके पेयर्ड ब्रांचेस चार. एंड नेक्स्ट हम लोग जो अनपेयर्ड ब्रांचेस है उसके बारे में देखेंगे. जो फर्स्ट है आपका सीलिएक आर्टरी, यहाँ पर देखिए तीन ब्रांचेस हैं, लेफ्ट हिपैटिक आर्टरी है, स्प्लीनिक आर्टरी है और आपका लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है. फिर आपका जस्ट जो
सीलिएक आर्टरी है उसके जस्ट नीचे आप लोग देखेंगे दैट इज़ दिस वन इज़ द सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। और आपका नीचे हम लोग थोड़ा सा और जाएंगे तब आपको यहाँ पर दिखेगा दैट इज़ द इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। ओके, ये तो था आपके आर्टेरियल सप्लाई के बारे में। नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट द वीनस ड्रेनेज फ्रॉम द अबडोमेन। सो ब्लड ड्रेन्स फ्रॉम दी सम अबडोमिनल ऑर्गन्स डायरेक्टली इनटू द इन्फीरियर वेना कैवा वाया वेन्स नेम्ड एज द कोरेस्पॉन्डिंग आर्टरीज। हेपेटिक वेन ड्रेन्स द इन द लीवर, रीनल वेन्स ड्रेन द किडनीज एंड सुप्रा रीनल वेन्स ड्रेन्स द एड्रेनल ग्लैंड। लंबर वेन्स ड्रेन्स लोअर अबडोमिनल स्ट्रक्चर एंड गोनाडल वेन ड्रेन्स द ओवरीज। सो जैसे जैसे नाम हमने पढ़ा था उसी नाम के अकॉर्डिंग यहाँ पर वेन्स का नाम दिया हुआ है ना। फर्स्ट जो है आपका हिपैटिक वेन हमने देखा जो आपके एग्जैक्टली जो लीवर है वहाँ से क्या करता है ये ब्लड सप्लाई को ड्रेन करता है डिऑक्सीनेटेड ब्लड को। रीनल वेन है जो किडनीज से ड्रेन करेगा, सुप्रा रीनल ग्लैंड है से सुप्रा रीनल वेन निकलेगा। लंबर वेन्स जो है अबडोमिनल स्ट्रक्चर जो है लोअर अबडोमिनल स्ट्रक्चर वहाँ से ड्रेन करता है। गोनाडल वेन्स जो है ओवरीज इन फीमेल एंड टेस्टिस इन मेल से क्या करते हैं वो ड्रेन करते हैं। ओके, नाउ हाउएवर मोस्ट ब्लड फ्रॉम दी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स इन द अबडोमिन इज ड्रेन्ड इनटू द हेपेटिक पोर्टल वेन एंड पासेस थ्रू द लीवर बिफोर बीइंग एम्प्टीड इनटू द इन्फीरियर वेना कैवा, है ना। सो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि मोस्ट ऑफ जो ब्लड है डाइजेस्टिव ऑर्गन का वो डायरेक्टली आपके वेना कैवा में ड्रेन नहीं करता है बेटा, इट ड्रेन्स ब्लड इनटू द हेपेटिक पोर्टल वेन। और हेपेटिक पोर्टल वेन जो है पास होकर के जाता है लीवर के थ्रू बिफोर वो वेना कैवा में एंटर होने के पहले। सो आपका जो मोस्ट ऑफ द अबडोमिनल पार्ट का जो ब्लड है वेना कैवा को ज्वाइन करने के पहले हेपेटिक पोर्टल वेन को ज्वाइन करता है और उसके बाद वो लीवर में चला जाता है ब्लड और लीवर से फिर पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू होकर के वो वहाँ पर जाएगा और उसके बाद फिर वो इन्फीरियर वेना कैवा को क्या करता है ड्रेन करता है। तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर पोर्टल सर्कुलेशन, उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सो यहाँ पर डायग्राम में हम लोग वीनस ड्रेनेज को थोड़ा सा देख लेंगे, है ना। सो आपका यहाँ पर फ्रेनिक वेन दिख रहा है आप लोगों को जो एग्जैक्टली ड्रेन कर रहा है बेटा डायफ्राम से, है ना। दिस इज़ द फ्रेनिक वेन जो डायफ्राम से ड्रेन करेगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखिए सुप्रा रीनल वेन है जो किडनी के ऊपर वाले ग्लैंड से आ रहा है, फिर आपका लेफ्ट किडनी से आपका जो या फिर राइट किडनी से राइट रीनल वेन और लेफ्ट किडनी से लेफ्ट रीनल वेन आपको क्या हो रहा है यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो आपके वेना कैवा को ज्वाइन कर रहा है। फिर है आपका गोनाडल वेन, है ना, जो गोनाड्स जो हैं टेस्टिस या ओवरी से वो इसमें क्या कर रहे हैं ड्रेन कर रहे हैं, ठीक है। सो ये तो हो गया आपका कुछ जो पेयर्ड ब्रांचेस है वो डायरेक्टली वेना कैवा में क्या कर रहे हैं ड्रेन कर रहे हैं। पर हमने एक इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ा था दैट इज़ द मोस्ट ऑफ द जो अबडोमिनल ऑर्गन का ब्लड है वो डायरेक्टली वेना कैवा में ड्रेन नहीं करता है, वो ड्रेन करता है आपका कहाँ पर एग्जैक्टली, यहाँ पर एक डायग्राम देखिए हिपैटिक वेन दिखाई दे रहा है आपको, है ना। सो ये जो है इसमें ड्रेन करते हैं ब्लड और ये डायरेक्टली किस में चले जाता है बेटा आपका हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू कहाँ चले जाता है लीवर में चले जाता है और लीवर के थ्रू फिर जब वहाँ से आपका हिपैटिक वेन निकलता है वो ये हिपैटिक वेन है जो किसको ज्वाइन करता है फिर आपके वेना कैवा को ज्वाइन करता है। दिस इज़ द हिपैटिक वेन, है ना, दीज आर दी हिपैटिक वेन जो मोस्ट ऑफ द अबडोमिनल ऑर्गन के ब्लड है वो पहले कहाँ जाएंगे लीवर में जाएंगे थ्रू दी पोर्टल सर्कुलेशन और फिर वहाँ से हिपैटिक वेन जो है निकलती है और वेना कैवा को ज्वाइन करती है। सो हम लोग पोर्टल सर्कुलेशन के बारे में पढ़ लेंगे। एज अ जनरल रूल वीनस ब्लड पासिस फ्रॉम द टिश्यू टू द हार्ट बाय द मोस्ट डायरेक्ट रूट थ्रू ओनली वन कैपिलरी बेड। इन द पोर्टल सर्कुलेशन वीनस ब्लड फ्रॉम द कैपिलरी बेड ऑफ द एब्डोमिनल पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम द स्प्लीन एंड द पेनक्रियास ट्रेवल फर्स्ट टू द लीवर। इन द लीवर इट पासिस थ्रू अ सेकेंड कैपिलरी बेड द हेपेटिक साइनोसॉइड्स बिफोर एंटरिंग द जनरल सर्कुलेशन वाया द इन्फीरियर वेना कैवा। इन दिस वे ब्लड विद अ हाई कंसेंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स absorb it from the stomach and intestine goes to the liver first. This supplies the liver with a rich source of nutrients for its extensive metabolic activity and ensures that the composition of blood leaving the alimentary tract can be appropriately managed. ओके, सो यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर बताया गया है कि मोस्ट ऑफ जो वीनस ब्लड है जो टिश्यूज से होकर के निकलता है वो बेटा डायरेक्टली हार्ट में क्या करता है वेना कैवा के थ्रू ड्रेन करता है। बट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ दी गई है कि पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू कुछ जो ब्लड है वो क्या होता है लीवर में ड्रेन होता है। सो थ्रू द पोर्टल सर्कुलेशन जो वीनस ब्लड है कहाँ कहाँ का, यहाँ पर देखो अबडोमिनल पार्ट का और डाइजेस्टिव सिस्टम का, जैसे कि स्प्लीन अबडोमिनल पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम का स्प्लीन पेनक्रियास, है ना, वो सारा
कहाँ पर ट्रैवल करता है, आपके लीवर में ट्रैवल करता है, और लीवर में एंटर करने के बाद वो हेपेटिक साइनोसॉइड्स में एंटर करता है। आपने लीवर का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो आपको पता है। और ये रिच न्यूट्रिएंट जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से ब्लड आ रहा है वो सब पहले कहाँ पर जाता है, हेपेटिक साइनोसॉइड लीवर के अंदर में एंटर करता है, और उसके बाद लीवर में से निकल करके वो जनरल सर्कुलेशन को वेना कैवा के थ्रू क्या करता है, ज्वाइन करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लीवर से जब ब्लड होकर के गुजर रहा है तो अबडोमिनल डाइजेस्टिव सिस्टम का मोस्ट ऑफ जो ब्लड है वहाँ से होकर के जा रहा है। सो वो मोस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म है जो लीवर में हो रहा है। और यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे दी हुई, इट ऑल्सो इंश्योर्स दैट अनवांटेड एंड पोटेंशियली टॉक्सिक मटेरियल सच एज ड्रग्स आर एलिमिनेटेड बिफोर द ब्लड इट रिटर्न्स इन टू द जनरल सर्कुलेशन। सो हम जो भी दवाई खाते हैं, जो भी ड्रग होता है, वो भी मोस्टली सबसे पहले कहाँ पर जाते हैं बेटा, लीवर में जाते हैं, ताकि उसका टॉक्सिक मटेरियल वहाँ पर क्या हो सके, डिटॉक्सिफाई हो सके, और उसके बाद जो ब्लड है वो कहाँ जाए, पोर्टल सर्कुलेशन के बाद फिर वो वेना कैवा में जाए, और उसके बाद वो हार्ट में जाकर के जनरल सर्कुलेशन में जाए। सो उसका जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो हमारे बॉडी में कोई भी टॉक्सिक इफेक्ट क्या नहीं करेगा, कॉज नहीं करेगा। सो जो पोर्टल वेन्स है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। सो दिस इज़ फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ 7 वेन्स, है ना। पोर्टल जो वेन बनता है वो 7 वेन के जुड़ने से बनता है, इसको ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे। जो पोर्टल वेन का बनना है वो 7 वेन के जुड़ने से बनता है, ईच ऑफ विच ड्रेन्स ब्लड फ्रॉम दी एरिया सप्लाइड बाय दी कॉरेस्पॉन्डिंग आर्टरी। सो हर जो वेन है वो बना है कहाँ से, जो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग आर्टरी के थ्रू उस पर्टिकुलर ऑर्गन को सप्लाई हुआ था। तो सबसे पहला जो वेन है पोर्टल वेन, जो 7 वेन के यूनियन से बना है, तो उसमें से जो फर्स्ट वेन है दैट इज़ द स्प्लिनिक वेन, नाम के अकॉर्डिंग ये ड्रेन कर रहा है ब्लड स्प्लीन से, पैनक्रियास से और स्टमक से, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है सेकंड जो दिया है, ये फर्स्ट है, सेकंड जो दिया है दैट इज़ दी इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन, है ना। सो इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी हमने पढ़ा था, सो वो जिस एरिया को ब्लड सप्लाई दिया था वहीं से ये वेन जो है ब्लड को रिटर्न कर रहा है, दैट इज़ वीनस ब्लड फ्रॉम दी रेक्टम पेल्विस एंड डिसेंडिंग कोलोन ऑफ दी लार्ज इंटेस्टाइन, इट जॉइंस द स्प्लिनिक वेन, और ये जाकर के स्प्लिनिक वेन को क्या करता है, ज्वाइन कर लेता है। सो सबसे पहला स्प्लिनिक वेन, और उसके बाद इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन जाकर के स्प्लिनिक वेन को क्या कर लेता है, ये ज्वाइन कर लेता है। नाउ थर्ड वन इज़ द सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन। सो सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन जो है, इट रिटर्न्स ब्लड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, द सीकम, असेंडिंग एंड द ट्रांसवर्स कोलोन। इट यूनाइट्स विद द स्प्लिनिक वेन टू फॉर्म द पोर्टल वेन, इट ऑल्सो यूनाइट्स द स्प्लिनिक वेन। सो आपका इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन भी स्प्लिनिक वेन को ज्वाइन किया, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन भी स्प्लिनिक वेन को ज्वाइन किया। नाउ द फोर्थ वेन, है ना, फोर्थ वेन इज द गैस्ट्रिक वेन, है ना, ड्रेन्स ब्लड फ्रॉम द स्टमक। तो ये स्टमक से ब्लड को लेकर के आ रहा है, डिस्टल पार्ट ऑफ द इसोफेगस एंड जॉइंस द पोर्टल वेन। सो आपका फर्स्ट तो था वो स्प्लिनिक वेन, उसको ज्वाइन किया इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन ने, उसको ज्वाइन किया सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन ने, और दे फॉर्म द पोर्टल वेन, है ना, उन्होंने पोर्टल वेन बनाया। अब गैस्ट्रिक वेन जो स्टमक और डिस्टल एंड ऑफ द इसोफेगस से आ रहा है वो इस पोर्टल वेन को क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है, ये फोर्थ वेन है। नाउ फिफ्थ वेन इज द फिफ्थ वेन जो बन रहा है दैट इज़ दी सिस्टिक वेन, और ये सिस्टिक वेन है ब्लड को ड्रेन कर रहा है कहाँ से, गॉल ब्लैडर से, और ये भी पोर्टल वेन को क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। सो गैस्ट्रिक वेन भी पोर्टल वेन को ज्वाइन कर रहा है, सिस्टिक वेन भी पोर्टल वेन को ज्वाइन कर रहा है। आफ्टर ब्लड हैज़ पास्ड थ्रू द हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन, इट इज़ देन रिटर्न डायरेक्टली टू द इन्फीरियर वेना कैवा थ्रू द हिपैटिक वेन्स, और जैसे ही वो हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन से होकर के गुजरता है, ब्लड जो है हिपैटिक वेन के थ्रू इन्फीरियर वेना कैवा को क्या कर लेते हैं बेटा, ज्वाइन कर लेते हैं। सो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ पोर्टल सर्कुलेशन। देखिए आपका स्प्लीन से स्प्लिनिक वेन निकला है, है ना, और सुपीरियर मेसेंट्रिक, इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन है, फिर सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन है, ये दोनों बेटा जुड़ करके स्प्लिनिक वेन के साथ पोर्टल वेन का क्या किए हैं, फॉर्मेशन किए हैं। सी हियर, ये है स्प्लीन और इसमें से निकला है आपका स्प्लिनिक वेन, है ना, ये है आपका सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन और ये है आपका इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन, ये दोनों जुड़ने के बाद पोर्टल वेन को क्या कर लिए, फॉर्म कर लिए, है ना। अब जो गैस्ट्रिक वेन है वो भी क्या कर रहा है, स्टमक से निकलने के बाद, ये है आपका गैस्ट्रिक वेन, इसी स्प्लिनिक वेन को क्या कर रहा है, वो ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, और पोर्टल वेन को कंबाइन कर रहा है वो, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये है आपका गॉल ब्लैडर और यहाँ से सिस्टिक वेन भी निकल रहा है और ये ज्वाइन कर रहा है पोर्टल वेन को, ओके। सो आपका स्प्लिनिक वेन,
सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन, सॉरी इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन, गैस्ट्रिक वेन, और गॉलब्लैडर से निकला आपका सिस्टिक वेन, है ना, और लीवर से आया आपका हिपैटिक वेन, सारा जुड़ गया और बन गया आपका पोर्टल वेन. सो देयर आर 7 वेन्स. ये पोर्टल सर्कुलेशन का डायग्राम और अच्छे से आप लोग देख लीजिए. दिस इज़ द स्प्लीनिक वेन. ओके, दिस वन इज़ द स्प्लीनिक वेन. ये स्प्लीन से आया है, ठीक है. उसके बाद आपका गैस्ट्रिक वेन है ना. उसके बाद आप थोड़ा यहाँ से ऊपर से आएंगे, ये आपका सिस्टिक वेन है, ठीक है. उसके बाद थोड़ा सा और ऊपर चले जाते हैं हम लोग, और नीचे की तरफ जब देखेंगे तो ये इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन, ये सारा जुड़ गया बेटा और इसने बनाया पोर्टल वेन. और पोर्टल वेन का दो ब्रांचेस, राइट ब्रांच और लेफ्ट ब्रांच, ये लीवर के अंदर से होकर के गुजर रहा है. अब लीवर में से आपका निकलेगा, लीवर के अंदर से जो निकलेगा दैट इज़ दी, अच्छा मैंने 7 वेन्स बोला था, तो वेन्स हम लोग, मैं बता देती हूँ आप लोगों को कौन कौन से वेन्स है 7 वेन्स, ठीक है. फर्स्ट आपका स्प्लीनिक वेन, ठीक है. उसके बाद आपका नीचे हम लोग आते हैं, दैट इज़ दी इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन सेकेंड, और सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन थर्ड, ठीक है. फोर्थ इज़ द सिस्टिक वेन, ठीक है. सेवेंथ इज़ द टू ब्रांचेस देखो यहाँ पर, गैस्ट्रिक वेन, कितना हो गया 6, और लास्ट ये ज्वाइन होकर के बन गई आपकी पोर्टल वेन, दैट इज़ दी 7. और ये अंदर में जाने के बाद, उसके बाद लीवर कैनालिकुलाई से साइनोसाइड से होकर के गुजरता है, और उसके बाद फिर लीवर से निकलेगा आपका पोर्टल वेन, जो कि वेना केवा को क्या करता है, ज्वाइन करता है, और वेना केवा फिर ब्लड को लेकर के हार्ट में जाता है. सो दिस इज़ अबाउट दी पोर्टल सर्कुलेशन.